मैं हूं नरेंद्र जैन और आज मैं आपको एक पेन को असेंबल करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आज के जमाने में इलेक्शंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं और काफी टाइम लेते हैं वो आने के लिए। एक अपॉइंटमेंट भी उनका काफी भारी पड़ता है और हमको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है उसके लिए। तो भाई सबसे पहला तो हम बचाएंगे अपना मनी, सेकंड नंबर पे हम बचाएंगे अपना टाइम, क्योंकि वो उनको आने में टाइम लगेगा, फिर वो उसको फिट करेंगे। काफी इजी प्रोसेस होती है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप आपके पेन को काफी इजीली जो है फिट कर सकते हैं, और वो भी काफी मिनिमम टूल्स की मदद से। मैं आपको टूल्स भी बता दूंगा और गाइस बहुत कम एक्सेसरीज लगेंगी हमको, लिटरली बहुत कम एक्सेसरीज लगेंगी अपने को। और गाइस सबसे पहले आपको पेन दिखा देता हूँ, पेन किस टाइप का है अपने पास। ये हमारे पास क्रोमटन का ओरा, ओरा के अंदर हमने आइवरी कलर लिया है और ये 1200 mm की स्वीप के साथ आता है। 1200 mm की स्वीप यानी कि ये वाली जो साइज होती है इसको स्वीप साइज कहा जाता है। अब हम इसकी पंखुड़ी की जो लेंथ है उसको स्वीप साइज कहा जाता है। 1200 mm की आइवरी साइज है यानी कि आइवरी कलर है और 1200 mm इसकी स्वीप साइज है। और गाइस ये जो फैन है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और यहाँ पर हमको इसके साथ बिल्ट इन जो वारंटी मिली है वो 2 ईयर्स की है। और गाइस काफी अच्छा अच्छा मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है, ऊपर की मोटर लगी हुई है इसके अंदर। और तो अब हम इसको सिंपली ओपन कर रहे हैं और अब हम इसको ओपन करते हुए देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अपने को चीजें मिलती है। मैं फटाफट से इसको बाहर निकाल लेता हूँ इन सबको और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सारी की सारी एक्सेसरीज को टेबल पे ले लेता हूँ। सो गाइस हम फिर से आ गए हैं इन सबको अनबॉक्स करके, और इसके साथ हमको मिलते हैं ये कुछ क्लिप्स जो कि इसको हैंग करने में मदद करेंगे हमारी। अब हमको मिले हैं इसके अंदर से क्लिप, अब हम इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं और अब हम इसको जो है ओपन कर लेंगे। काफ़ी तगड़ी सी पैकेजिंग दे रखी है कंपनी वालों ने। अब सिंपली हमारे पास जो है ये जो स्विप है इसकी, हम इसको निकालेंगे। अब जो स्विप के अंदर से हम यहाँ से कट लगा लेंगे इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और सिंपली मैंने इसके अंदर से ये जो स्विप है इसको भी निकाल लिया है। अब मैं इनको भी खोल के और फिर आपसे मिलता हूँ वीडियो के आगे। गाइस अब मैंने इन सबको जो स्विप्स हैं इन सबको भी खोल लिया है और हमको जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है कुछ ये टूल्स, यही मिनिमम टूल्स लगते हैं हमको। और एक साइड में आपको एक वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वायर है ये हमारे यहाँ से कनेक्ट होके और जो मेन सीलिंग होगी उसके अंदर जाएगा। दैट्स वाई हमको इस वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बस हमें इसी वायर की ज़रूरत है और कुछ एक ये टूल्स की ज़रूरत है, इन टूल्स के अलावा हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गाइस सबसे पहले हम इस जो है फैन की स्विप है इसको यहाँ के स्क्रू खोल के और इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब सबसे पहले हमको यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन सब स्क्रूज को खोल लेना है। तो गाइस अब हमको ये जो स्विप है इसको ले लेना है और ये जो सारे के सारे स्क्रूज हैं मैंने खोल लिए हैं, मैंने खोलने की कहा था तो मैंने खोल लिए हैं। अब हमको सिंपली जो एक स्क्रू है स्क्रू लेना है और जो इसके साथ जो ये रिंग आती है इसको लगाना नहीं भूलना है इसके साथ, क्योंकि ये है जो वाइब्रेशन से होती है उसके साथ निकलने से बचाता है इस स्क्रू को। तो गाइस हमको सिंपली इस फैन को जो है टिल्ट कर देना है इसके ऊपर, इस टाइप से टिल्ट कर लेंगे हम इसके ऊपर और यहाँ पर जो है ये स्क्रू लगा देंगे। अब सिंपली हम दूसरा वाला स्क्रू भी लगा देंगे। ऐसे ही हमको सारी की सारी फैन की जो स्विप्स हैं इन सबको एडजस्ट कर देंगे और मैं एडजस्ट करने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस देखिए अब मैंने सारी की सारी स्विप्स जो है फिटिंग कर लिया है और अब देखिए इसके ओवरऑल लुक जो आ रही है वो काफ़ी ऑसम आ रही है। देखिए किस टाइप से जो लग रहा है, एक नंबर लुक आ रही है इस पूरे के पूरे फैन की, काफ़ी तगड़ा लग रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसको थर्माकोल के ऊपर क्यों रख रखा था, तो ये इसलिए ताकि इसके ऊपर कुछ स्क्रेचेज ना आए और जैसा ये आया था कंपनी से वैसा ही सीलिंग के ऊपर लगने के बाद लगे। अब गाइस हमको सिंपली ये जो है ये एक डंडी है इसको लगा लेना है। अब जो डंडी लगाएंगे हम जहाँ पे ज़्यादा होल होंगे हम उस तरफ से इसको लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक सेफ्टी स्क्रू का फीचर दे रखा है जो सिर्फ क्रोमटन के पंखों के अंदर आता है। अब गाइज यहाँ पे हमको इस सेफ्टी फीचर वाले स्क्रू को फिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्रोमटन ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। अब ये सिर्फ इस स्क्रू के ऊपर नहीं टिकेगा, अब ये फैन को टिकाने के लिए इस कंपनी के अंदर हमको और भी कुछ बोल्ट्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम इस फैन को लगाएंगे। अब देखिए इसके इस कंपनी के अंदर हमको ये बोल्ट भी दिया जाता है जो कि इस होल के अंदर लगेगा। तो गाइस देख लिया, अब मैंने स्क्रू के जो है नट्स आई थी इसके साथ उसको खोल लिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इधर से इस बोर्ड को डालेंगे और यहाँ पर इसका जो साथ में आया है रिंग वाइसर इसको लगाएंगे इसके अंदर।
और सिंपली सबसे पहले हम मोटी वाली नट को लगाएंगे। इस नट को लगाकर हम इस रेंच की सहायता से, इस वाले 10 नंबर की की से की के सहायता से इसको लगा देंगे। देखिए मैं किस टाइप से इसको फिट कर रहा हूँ। इसमें प्लायर की जरूरत भी पड़ सकती है आपको, क्योंकि जो है साइड में टाइटनेस के लिए आप प्लायर की सहायता भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्किट करता है। अब देखिए मैं किस टाइप से इसको टाइट कर रहा हूँ। सिंपली आपको इस टाइप से इसको टाइट कर लेना है। अब सिंपली मैंने ये पतली वाली नट जो आई थी इसके साथ, क्योंकि इसमें डबल नट का की फीचर आता है, अब इसको हम प्लायर से ही टाइट कर लेंगे। और सिंपली इसके साथ जो ये सेफ्टी लॉक आती है इसको हम लगा लेंगे। और इस सेफ्टी लॉक को लगाने के बाद हमको ये बात ध्यान रखना है कि सेफ्टी लॉक को हम यहाँ से थोड़ी सी बेंड कर देंगे। अब देखिए सेफ्टी लॉक निकलेगी नहीं और हमारा पंखा नीचे आएगा नहीं। अब सिंपली हमको यहाँ पे वायर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है वायर से ही कनेक्शन इसके ऊपर ले जाएंगे। अब हम इस जो है इस डंडी के अंदर ये वायर डालेंगे। सिंपली आपको करना कुछ यूँ है कि ये दोनों वायर ले लेने हैं और इसके अंदर आपको अंदर डालने हैं, और सिंपली आपको यहाँ से दोनों वायर को खींच लेना है। अब देखिए इसके अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। जब आप एक आध पंखा लगा लेंगे तो आपको इसको इसके अंदर ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। देखिए मैं किस टाइप से लगा रहा हूँ इसको, आपको यहाँ पे सिंपल से इस टाइप से निकाल लेना है। दूसरी तरफ से जो है टेस्टर अगर आप अंदर डाल लेंगे तो ये साइड में आसानी से आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसकी जो है ये वायर्स निकाल ली हैं, थोड़े से ज़्यादा वायर निकालें। और सिंपली वायर को निकालने के बाद आप यहाँ से हल्का सा बेंड करें इसको और फिर से बेंड कर दें, ताकि जो है इसके अंदर जब ये लगे तो ये लूज ना हो। मैं आपको इसको लगा, अब देख लीजिए मैंने इन सारे के सारे स्क्रूज को टाइट कर दिया है यहाँ पर वायर्स को लगा लगा के। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसके साथ जो एक केप आई है प्लेन वाली, इसके साथ दो टाइप की केप आती है, जिसके ऊपर एक ये कुछ गोल्डन वर्क होता है और सेकेंड वाली के अंदर बिल्कुल प्लेन होती है। तो हम सिंपली जो है फर्स्ट टाइम में इस प्लेन वाली को इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी जो गोल्डन रिप होगी वो नीचे से दिखेगी नहीं, इसलिए हम प्लेन वाली को सबसे पहले यहाँ पर पुट कर देंगे। सिंपली अब हमने इसके अंदर इसको लगा लिया है। अब हम सेकेंडली जो गोल्डन रिप वाली है उस वाली केप को ऊपर की तरफ लगा लेंगे। अब जो सिंपली जब ये सीलिंग के ऊपर जाएगा तो ये वाली जो केप है ये ऊपर की तरफ टच हो जाएगी और इसका ओवरऑल लुक जो आएगा वो काफ़ी ओसम आएगा। अब देख लीजिए इसका ओवरऑल लुक किसा आ रहा है, ओसम बिल्कुल। गाइस मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। अब सिंपली आपको इसके साथ एक टूल और मिला हुआ है जिसको भी आपको फिट करना होगा कुछ ये। अब मैं आपको इसको भी इसके ऊपर फिट, हमको यहाँ पे इसको फिट करना होगा, अब मैं इसको भी फिट करके बता देता हूँ आपको। सो गाइस मैं इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे फिर मिलता हूँ। अब सिंपली हम इस बोर्ड को इसके अंदर लगा लेंगे। मैंने इसको बोर्ड को खोल के और यहाँ पर फिट करने कर लिया है। अब सिंपली हम यहाँ पे एक रिंग वाइशर लगाएंगे और जो मोटी वाली नट है उसको पहले लगाकर हम इसे भी एक प्लायर से टाइट कर लेंगे, सिंपली कुछ इस टाइप से। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, अगर आप चाहें तो इसको साइड में एक रेंच की मदद से भी पकड़ सकते हैं। एक और रिंग वाइशर हमको मिला हुआ है इसके अंदर, हम इसको लगाएंगे और उसके बाद पतली वाली जो नट आती है इसके साथ उसको लगा लेंगे, ताकि एक सेफ हो जाए, हम सेफ साइड में चले जाएं, इसके गिरने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। अब सिंपली हमको इसके साथ जो सेफ्टी लॉक आई थी उसको लगा लेना है। कुछ इस टाइप से, और बस इसको थोड़ा सा बेंड कर लेना है नीचे से, ताकि ये निकले ना इसके अंदर से। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जो सीलिंग से आ रहे होंगे दो वायर्स प्लस और माइनस के, या फिर लाइन के और न्यूट्रल के, उसको इन दोनों वायर्स के अंदर कनेक्ट कर लेना है। और अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है तो आपके घर में एक अर्थिंग का वायर भी आता होगा, जिसको आपको इस स्क्रू को खोल के यहाँ पर फिट कर देना है। और सिंपली एक हैंगर के ऊपर आपको ये वाला बोल्ट खोल कर, ये जो रबर वाला जो है रिंग निकाल कर, इसको ऊपर लगा कर और यहाँ पर उस
इस फैन को वहां पर ले जाकर सीलिंग के ऊपर ले जाकर फिट कर देना होगा, जिससे ये जो फैन है ये हैंग हो जाएगा और जब आप इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इसको फिटिंग करके दिखा देता हूँ कि ये फिटिंग करने के बाद कैसा लगेगा। तो गाइस अब चलते हैं सीधा सीलिंग के ऊपर के किस टाइप से फिट होने के बाद लग रहा है। सो गाइस किस टाइप से फिटिंग होने के बाद लग रहा है, काफी ऑसम लग रहा है और मैं आपको अब इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए ऑन होने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और अभी यहाँ पर कुछ काम होने बाकी है जिसके बाद ये और भी अच्छा लगने लग जाएगा।